तो वहां पर द्विपद बंटन वाला सिद्धांत लगता है। चलिए ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? स्क्रीन सभी को क्लियर दिख रही है? एक बार यस बोल दें सभी बच्चे। यस सर। ओके यस सर। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, दो घनाकार पासे एक साथ उछाले जाते हैं और पहले पासे पर सम संख्या अथवा योग 8 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दो प्रायिकता यहाँ पर एक साथ दी गई हैं। पहले पासे पर सम संख्या अथवा योग 8, तो आपको दो इवेंट यहाँ पर दी गई हैं। दो पासे आपने उछाले हैं और पहले पासे पर या तो सम संख्या आए और या तो दोनों पासों का जो योग है वो कितना आना चाहिए? 8। तो कुल आउटकम कितने हुए? 36। अब पहले पासे पर अगर सम संख्या आती है तो पहले पासे पर क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। पीछे कुछ भी आता रहा इससे कोई मतलब नहीं है। तो टोटल कितने बिंदु बन जाएंगे? पहली घटना की संगत 18 और योग 8 आना चाहिए। तो कितने बिंदु बन जाएंगे E2 योग 8 आने के? ये देख लीजिए 5 बिंदु। दोनों का कॉमन पॉइंट कितना निकलेगा? 4 4 6 2 2 6, मतलब कॉमन पॉइंट निकलेंगे 3। ओके, तो अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 इक्वल टू PE1 प्लस PE2 माइनस P इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसमें कोई बन जाएगा? कहीं पर पूछना हो तो बताइए। आई होप इट इज़ क्लियर। हाँ बच्चों पूछो, अपनी भाषा में पूछो अपने डाउट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहाँ पर डाउट है बताइए। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 क्लियर है सबको? क्यों भाई नंदनी, आवाज़ बोलो, यस और नो तो बोल दिया करो। यस सर बन जाएगा। ओके ओके, तो यस बताइए, तब तो आगे बढ़ेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दो घनाकार पासे एक साथ उछाले जाते हैं, पहले पासे पर विषम संख्या अथवा दोनों पासों की संख्या का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। पहले पासे पर विषम संख्या के बनेंगे 18 केस और फिर क्या कह रहा है कि योग जो है कितना आए? 9। तो दूसरी घटना बना लो योग 9 आने की और दोनों की अलग अलग प्रायिकता ज्ञात कर लो। फिर पी ए यूनियन बी का योग निकाल लो, क्योंकि ए यूनियन बी इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि दो घटनाएं यहाँ पर एक साथ बताई जा रही हैं, ए और बी। बोलो क्लियर है? यस सर। हाँ चलिए अगला सवाल मुकुल, ये वाला क्वेश्चन देख लो भैया, 15वां नंबर, समझ में आ गया ना? यस सर। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई। एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, ये जो क्वेश्चन होता है इसको हम करते हैं द्विपद बंटन से, ऐसे 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो होते हैं द्विपद बंटन से। तो द्विपद बंटन का जो फॉर्मूला होता है वही बाइनोमियल थ्योरम वाला द्विपद प्रमेय वाला फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लिख लो एक बार आप लोग, एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, ये होता है द्विपद बंटन का सूत्र, ये लगता है द्विपद बंटन में सूत्र, समझ गए? अब आप कहोगे सर पी और क्यू क्या है, तो भैया देखो पी और क्यू क्या है इसके बारे में समझ लो। जैसे आपके पास में यही सवाल है, चलो इधर से ये सवाल है। तो बच्चों एक सिक्के को 6 बार उछाला गया, मतलब n, n बार मतलब ट्रायल की संख्या, कितने बार आपने पर प्रयोग किया उसकी संख्या 6 हो गई। हेड आना यानी कि प्रायिकता 1/2। एक सिक्के को 6 बार उछाला गया है, वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें हेड प्राप्त करना एक सम संख्या हो। अब भैया आप 6 बार उछाल रहे हो तो हेड आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2, और टेल आने की प्रायिकता मान लो कितनी? 1/2। तो ये काहे की प्रायिकता है? हेड आने की पी और टेल आने की क्यू, 1/2। और याद रखना द्विपद बंटन में पी प्लस क्यू का योग हमेशा 1 होता है, नोट कर लो, द्विपद बंटन में पी का क्यू, पी और क्यू का योग हमेशा 1 होता है। मतलब एक है सफलता तो एक है विफलता। अगर हेड आना सफलता है तो टेल आना असफलता है ना। हाँ जी, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि
वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि हेड जो है आना सम संख्या हो। तो मान लो एक्स है नंबर ऑफ हेड, छह बार फेंके हो जिसमें एक्स जो है हेड यानी कि शीर्ष की संख्या हेड है। तो बेटा एक्स क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, एक्स क्या क्या हो सकता है, टू हो सकता है, एक्स क्या क्या हो सकता है, फोर हो सकता है, एक्स क्या क्या हो सकता है, सिक्स हो सकता है। मतलब छः बार सिक्का उछाला है तो एक बार भी हेड ना आए, दो बार हेड आ जाए, चार बार हेड आ जाए, छः बार हेड आ जाए। अब लगा दो फार्मूला, क्या लगेगा फार्मूला बेटा, पी एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स बार की बराबर होता है एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। चलो तो पी सबसे पहले एक्स इक्वल टू जीरो, किसी बार हेड ना आए, है ना, क्योंकि जीरो बार हेड ना आना भी सम संख्या है, जीरो को भी सम संख्या बोला गया है, ये देखो लिखा गया है। तो जीरो हेड आना क्या होगा, एन सी जीरो मतलब सिक्स सी जीरो, प्रॉबिलिटी कितनी है वन बाई टू की पावर जीरो और वन बाई टू की पावर सिक्स माइनस जीरो मतलब कि सिक्स। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, क्या हुआ भाई, चुप रहने के लिए आए हो क्या क्लास में, जवाब देने में दिक्कत है क्या, नहीं आया है तो नो बोलो, आया है तो यस बोलो, और जहाँ पर नहीं आया है वो पॉइंट में दिक्कत बताओ कि सर यहाँ से नहीं आया, माइक ऑन करके बोल करके माइक ऑफ कर लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर, यस सर यस, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, तो देखो ये देखो कितने केसेस बनेंगे बेटा अपने पास में, चार केसेस बनेंगे, एक जीरो वाले, एक दो वाला, एक चार वाला, एक छः वाला। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपने जो है अपने पास अपन ने निकाल ली, ये अपने पास आ गई है। अब इसको प्रायिकता कितनी आ गई, एक बटे तीस आ गई इसकी प्रायिकता, ठीक है ना। अब एक मिनट, ये क्या कह रहा है भाई, चूँकि पाँच व छः के गुणक तिथि की प्रायिकता, क्यों भाई पाँच व छः का गुणक तिथि क्यों कर रहा है भैया, नहीं चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। बेटा ये गलत लिखा है इस किताब में, ये कुछ गलत लिखा हुआ है, ये एक बटे पाँच एक बटे छः कहाँ से आ जाएगा भाई, एक बटे पाँच एक बटे छः तो है नहीं, ये किसी और क्वेश्चन का दे दिया बेटा, ये जो है ये किसी और प्रश्न का है, इतना वाला हिस्सा किसी और प्रश्न का है, ये वाला हिस्सा जो है ये किसी और प्रश्न का है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे करोगे आप, जो अपन कर रहे थे क्वेश्चन उसको देखो। तो x इक्वल टू जीरो पे प्रायिकता निकाल ली आपने, ऐसे x इक्वल टू टू के लिए निकालो, x इक्वल टू थ्री के लिए निकालो, x इक्वल टू टू के लिए निकालो, x इक्वल टू फोर के लिए निकालो। तो मैं एक फ्रेश पेज में आपको प्रायिकता निकाल के बता देता हूँ, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू, x इक्वल टू फोर एंड x इक्वल टू सिक्स। तो चलो चार प्रायिकता निकालनी है, पहली x इक्वल टू जीरो पर, फिर प्रायिकता निकालनी है x इक्वल टू टू पर, फिर प्रायिकता निकालनी है x इक्वल टू फोर पर, और फिर प्रायिकता निकल ली है x बराबर छः पर। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर, एन सी आर सफलता की पावर r, असफलता की पावर वन माइनस r, ये होता है फॉर्मूला। तो x इक्वल टू जीरो में सिक्स सी जीरो असफलता यानी वन बाई सफलता की पावर जीरो, क्योंकि सफलता के केसेस कितने हैं, जीरो हैं, और असफलता के चांस कितने हैं, छः पूरे पूरे n माइनस r, प्लस सिक्स सी वन सफलता की पावर वन अपॉइंट टू की पावर फोर टू, और वन अपॉइंट टू की पावर फोर, फिर सिक्स सी टू वन अपॉइंट टू की पावर फोर और वन अपॉइंट टू की पावर टू, और लास्ट में सिक्स सी, अरे भैया ये फोर था, टू तो हो गया ना, यहाँ टू लगा वन लिख दिया, सिक्स सी टू यहाँ पर सिक्स सी फोर और यहाँ सिक्स सी सिक्स, वन अपॉइंट टू की पावर सफलता पूरी, असफलता बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखो बच्चों, ये छः पावर हो जाएगा जुड़ के, ये भी छः पावर हो जाएगा, ये भी छः पावर हो जाएगा, ये भी छः पावर हो जाएगा, वन अपॉइंट टू की पावर छः कॉमन आ जाएगा, कितना सिक्सटी टू सिक्स सी फोर प्लस सिक्स सी बटे बत्तीस, दो की पावर छः कितना होता है, कर लो एक मिनट, दो गुणे दो गुणे दो आठ नहीं होता है चौंसठ होता है, एक बटे चौंसठ। चलो और सिक्स सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, सिक्स सी जीरो की जो वैल्यू हुआ करती है, सिक्स सी जीरो की वैल्यू है वन, सिक्स सी टू
फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। 6 को लिखेंगे कितना, 6 गुणे 5, और 4 की दुकान कैंसिल हो गई तो बता 30 बटे 2 यानी 15, 62 आएगा 15, 64 भी आएगा 15, तो ये कितना हो गया 1। बच्चों 15 और 15 30, 30 और 2 32, 32 बटे 64। बच्चों प्रोबेबिलिटी लिखो 1/2, प्रायिकता आ गई 1/2। देखता हूँ कितना किया इसमें, 1/2 किया कि नहीं किया, ना नहीं आएगी भाई, ये गलत है, यहाँ तक ये गलत है, यहाँ तक ये सही है। इन लोगों ने क्या किया, ऊपर के 32 वाले केस निकाल लिए हैं, मैंने तो पूरा सॉल्व किया है, मतलब आप इस विधि से करो ही मत, मैं कहूँगा पूरा पूरा जो है आप इस विधि से मत करिए इसको, आप इसको मेरी विधि से करिए, केवल सवाल नोट करिए और आप इसको मेरी वाली विधि से नोट करो। बेटा माइक ऑफ कर लो, किसकी माइक शॉर्ट हो रहा किसी का, हाँ अब माइक ऑन करके अपना सवाल कहें। सर यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखे हैं आप साइड में, वहाँ क्यू की पावर एन माइनस आर होना चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैंने किया एन माइनस आर है बेटा, गलती से वन माइनस आर लिख दिया, हाँ किया मैंने एन माइनस आर ही है। यस सर, ठीक है ना, तो हेडिंग लिख लो, ये काय का फॉर्मूला है, द्विपद बंटन का फॉर्मूला है, द्विपद बंटन, ठीक है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, द्विपद बंटन कहते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़े भैया। तुम लोगों को पूछना चाहिए कि सर ये वाले पॉइंट बताओ, अगर क्लियर नहीं है तो, है ना, वैसे पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा इसलिए शाम, ठीक है। चलिए ये हो गया, प्रश्न क्रमांक 16 हो गया बेटा, इसमें गलत दिया आंसर और इसको इसने अधूरा कर रखा है, केवल इसने कोफिशिएंट निकाल दिए, बाकी कुछ करा ही नहीं है, तो इसका जो आंसर दिया है ये आप मेरी मेथड से करो, मतलब माई मेथड। चलिए अगला जी, 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, निम्न में से प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सवाल है, 3 सिक्के को आप एक बार उछाल रहे हैं तो प्रायिकता ज्ञात करना है, 3 चित्त प्राप्त होना, 3 चित्त प्राप्त होना मतलब एक ही बार में हेड हेड हेड, तो एक ही केस होगा और क्या, एक भी चित्त प्राप्त ना होना मतलब टेल टेल टेल, एक भी चित्त प्राप्त ना होना मतलब टेल टेल टेल, और तीसरा 3 पट्ट प्राप्त होना, अरे भैया 3 पट्ट मतलब वही होगा टेल टेल टेल, कोई भी पट्ट प्राप्त ना होना मतलब हेड हेड हेड, तो पहला प्रायिकता आएगी 1/8, समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। दूसरा अगली भी 1/8 क्योंकि टेल 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 है, 1/8, फिर 1/8 और फिर से 1/8। कहो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए यस सर, अगला क्वेश्चन, एक थैले में 6 लाल 4 सफेद 5 काली गेंदे हैं, मतलब टोटल 6 4 10 5 15, ठीक है भैया अच्छी बात है 15 गेंदे हैं, एक करके एक के निकाली जाए और थैले में वापस ना रखा जाए, मतलब गेंद आप कम करते जा रहे हो, तो पहली के लाल, दूसरी के सफ़ेद, तीसरी के नीली होने की प्रायिकता क्या होगी? एक एक करके आपने गेंदें निकाली है, पहली की लाल गेंद, तो लाल गेंद टोटल कितनी है 6, 6 में से एक खींची और नीचे 15 में से एक खींची, 6c1/15c1 मतलब प्रोबेबिलिटी हुई 6/15, काटाकुटी कर दो 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, मतलब पहली प्रायिकता कितनी आई 2/5। अब काम पूरा नहीं हुआ है और आपने गेंद वापस नहीं डाली है और अब आपको सफ़ेद गेंद निकालनी है, तो सफ़ेद गेंद कितनी है टोटल 4 4c1, मगर नीचे आपने एक गेंद वापस नहीं डाली है, मतलब एक गेंद कम हो चुकी है, तो टोटल बॉल बची है 14, तो 14c1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी 4/14, काटाकुटी कर दो 2 से 7 बार, 2 से 2 बार और 2 से 7 बार, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। अगली प्रायिकता टोटल 5 नीली गेंदें हैं मगर बची हैं 13, तो 5c1/13c1 मतलब 5/13, बोलो क्लियर है कि नहीं है? हाँ यस सर, क्लियर सर। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, काम अधूरा है, 3 स्टेप में पूरा हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न क्रमांक 19, ताश के 52 पत्तों को भली भली बाती से फिट करके एक पत्ता निकाला गया है, ईंट का पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ भाई? टोटल पत्ते 52, 52 में से एक पत्ता खींचना है और 13 में से एक पत्ता, 13c1/52c1 1/4। अगला, पान पत्ता इक्का नहीं है, अरे भैया इक्का नहीं है तो बाकी का 48 पत्ते होंगे, तो यदि पत्ता इक्का नहीं है तो इक्का पत्ता नहीं है तो कोई और होगा ना, तो पत्ता यदि इक्का नहीं है तो इक्का के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1-4/52 हो गया। अगला, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, 26 पत्ते 1/2। अगला, निकाला गया पत्ता ईंट का है, ईंट का है,
तो पूला गया है, घटना ईंट का नहीं है, तो ईंट का निकाल लो, ईंट के पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और 1 से माइनस कर दो तो 3/4। निकाला गया पत्ता काले रंग का नहीं है तो लाल रंग का होगा, 1/2। चलो बताओ बच्चों क्या नहीं बनेगा इसमें। सर बन जाएगा। चलो अगला सवाल। एक थैले में 9 डिस्क हैं जिसमें 3 लाल रंग की, 3 नीले रंग की और बाकी 2 पीले रंग की। डिस्क का आकार माप समान रूप है। डिस्क में एक डिस्क निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई डिस्क लाल रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की, नीले रंग की नहीं है, लाल रंग की है या पीले रंग की है। चलो भाई बताओ, भाई खुद ही निकाल लो। भाई पहला है निकाली गई डिस्क लाल रंग की है, मतलब पहली प्रॉबलिटी आपको निकालनी है पी रेड लाल रंग की, दूसरी पीले रंग की तो पी येल्लो, बहुत ही सिंपल, तीसरी पी नीले रंग की पी ब्लू। फिर क्या कह रहा, नीले रंग की नहीं है तो 1 - ब्लू कर देना, तो 1 - पी ब्लू कर दोगे तो ये आ जाएगा। अगला लाल रंग की है या पीले रंग की है तो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि पी रेड प्लस पी ब्लू प्लस पी ब्लू, और तो कोई केस बनता नहीं है। कहो बच्चों ठीक है? यस सर। देख लो आंसर बेटा, टोटल 4/9, 2/9, 1/9, 3/9, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद जो है आपको रिस्क नीले रंग की नहीं है तो सी को माइनस कर दो तो 1 - 1/3। और इसके बाद परस्पर अपवर्जी घटना इसलिए है क्योंकि एक डिस्क दो कलर की तो हो नहीं सकती है, लाल ही होगी या नीली होगी, जो भी है लाल नीले कलर की, तो पी दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया। चलिए अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 21 पढ़ो भाई नुकुल। दो विद्यार्थी अनिल और आसमा एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए। अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.05 है और आसमा के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.10 है। दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.02 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ए अनिल और आसमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, बी दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा, सी दोनों में से केवल एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। चलिए देखिए, तो पहला है अनिल और आसमा दोनों ही परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, ठीक ना। अच्छा देखो भैया एक मिनट, दोनों ही परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, मतलब परतंत्र है या स्वतंत्र है। दो विद्यार्थियों अनिल और अस्मा एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए। अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.05 है और अस्मा के उत्तीर्ण होने की 0.10 है। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने बताया था कल कि प्रोबेबिलिटी, यहाँ से लिखता हूँ, कल मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता जो होती है ए इंटरसेक्शन बी वो होती है पी ए पी बी। कब? जब दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हों, ये होता है भाई साहब। अब आइए देखते हैं जरा कि क्या ये स्वतंत्र घटना है कि नहीं है। अगर स्वतंत्र घटना हुई तो ये फॉर्मूला लगेगा, और इसके साथ एक और फॉर्मूला लगता है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू पी ए बार इंटू पी बी बार। ये कब लगता है? ये लगता है स्वतंत्र घटनाओं के लिए, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ये लगता है स्वतंत्र घटनाओं के लिए। तो पहली चीज़ तो ये चेक करो कि क्या ये स्वतंत्र घटना है कि नहीं है, है ना। तो ये स्वतंत्र घटना है कि नहीं है, पहली चीज़ तो ये चेक करनी है। तो देखो दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी है? 0.10 है, और अलग अलग कितनी है? 0.05, सॉरी इसकी है 0.05 और इसकी है 0.10। देखते हैं मल्टीप्लाई करके, पी ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए पी ए टू पी बी। दो है, एक अनिल है एक असीमा है, तो अनिल के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी है? 0.05, तो 0.05 ये है। असीमा के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी है? 0.10 इंटू 0.10। बच्चों किसी भी हालत में इन दोनों का गुणा जो है 0.02 नहीं आएगा, ये 0.02 बोलो आएगा कि नहीं आएगा?
नो सर नहीं आएगा, इसका मतलब ये स्वतंत्र घटना नहीं है। अब आप कहोगे सर ये बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि कल मैंने जितने सवाल कराए हैं मैं कहता था ना ए पास हो ना बी पास हो, तो आप कहते थे ए का भी ए भी पास ना हो और बी भी पास ना हो, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते थे पी ए बार इंटू पी बी बार और आपका उत्तर आ जाता था। बट आज आपने यदि इससे किया तो आपका आंसर पक्का गलत आएगा, 101% आपका आंसर गलत आएगा। आप निकाल करके देख भी लो अगर आपको निकालना हो तो। क्यों? क्योंकि ये जो है ये घटना जो है ये स्वतंत्र के लिए वाला फॉर्मूला है, परतंत्र के लिए नहीं है ये फॉर्मूला। मगर ये जो घटना है ये स्वतंत्र नहीं है, ये घटना परतंत्र है। तो परतंत्र के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। कैसे लगेगा परतंत्र का फॉर्मूला? अब आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? अब आपका फॉर्मूला बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बार, और आपको पता है सेट थ्योरी में आपको पढ़ाया गया था ए बार इंटरसेक्शन बी बार होता है डिमॉर्गन लॉ से ए यूनियन बी का होल बार। बोलो बच्चों होता है कि नहीं होता? यस सर, ए यूनियन बी का होल बार। और ए यूनियन बी का होल बार किसी चीज का ना होना मतलब वन माइनस उस चीज का होना, वन माइनस ए यूनियन बी। तो वन माइनस, अब ए यूनियन आपको सबको पता है क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलो देखो वन माइनस पी ए, अनिल के पास होने की प्रायिकता कितनी दी गई है बेटा? 0.05 अनिल के पास, 0.05 बेटा। ये किसने माइक ऑन किया? माइक शॉर्ट हो रहा है बेटा आपका। प्लस पी बी 0.10 कर दो, माइनस दोनों के पास होने की प्रायिकता कितनी दी है क्वेश्चन में? 0.02, ये हो गया। चलो जोड़ दो भाई, 1 माइनस 0.05 और 0.10 कितना होता है? 0.10 और 0.05, वेरी सिंपल 0.15, और 0.15 में से 0.02 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 0.13। तो 0.13 माइनस करोगे 1 में से, तो भैया 1 में से 0.13 माइनस करोगे तो कितना आएगा बोलो? 1.00, 0.13 माइनस करो, 10 में से 3 गए 7, ये बन गया अपने पास 10, हाँ ये बन गया 9, ठीक है ना, 9 में से 1 गए 8 और इधर आएगा 0.87, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा 0.87, ये देख लो भाई साहब ऐसे करेंगे। और अगर आप इसको कल वाले कंसेप्ट से करके आओगे तो आपका आंसर फटाक से गलत हो जाएगा। इस चीज़ को मेरी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्योंकि दोनों वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, दोनों यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर कर रही हैं। समझ गए कि नहीं समझे? चलो नोट कर लो, चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है मैं ये वाला ओपन कर देता हूँ। हाँ इसको नोट कर लो, एनी प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है चलिए जी अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। जरा ले तो लो स्क्रीनशॉट बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इस क्वेश्चन का। ओहो ये क्वेश्चन बहुत रुलाने वाला है, थोड़ा सा मेहनत करवाएगा ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए क्वेश्चन अपने आराम से अपने से पढ़ो, पहले क्वेश्चन जो है आपको अब पढ़ना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, छुट्टियों में से वीना, छुट्टियों में वीना ने 4 शहर ए बी सी डी की यादृच्छाया क्रम में यात्रा करी, और प्रायिकता क्या है कि ए की यात्रा बी से पहले करी, ए की यात्रा बी से पहले और बी की सी से पहले करी। ओहो ए की यात्रा बी से पहले और बी की फिर सी से पहले, मतलब ए बी सी लाइन से आएंगे, ए की सबसे पहले करी और बी की सबसे अंत में यात्रा करी, और ए की यात्रा सबसे पहले और दूसरे स्थान पर या दूसरे स्थान पर करी, और ए की यात्रा बी से एकदम पहले करी। तो आपको टोटल घटनाएं यहां पर बनानी है। अब टोटल घटनाएं कितनी बनेंगी बेटा?
टोटल घटनाएं बनेंगी यहां पर कितने पास हैं, देखिए कैसे इसको बनाते हैं, चार टोटल घटनाएं यहां पर जो हैं 24 बनेंगी। टोटल घटनाएं यहां पर कैसे बनेंगी, 24 बनेंगी, क्योंकि चार शहर हैं और चार शहर को आप फैक्टोरियल फोर तरीके से घूम सकते हो, चार शहरों की यात्रा। हाँ बच्चों गुड क्वेश्चन, चार शहरों को आप जो है फैक्टोरियल फोर 24 तरीकों से आप जो है वो घूम सकते हो, ठीक है। अब आपको इन 24 परिणामों को पूरा पूरा लिखना है, ये पूरे परिणाम बनेंगे। अब इनमें से आपको छांटना है कि कौन कौन सी यात्रा हो रही है, तो एक बार कॉपी निकालिए और चलिए करना शुरू करिए, फिर बाद में हम सहयोग करते हैं आपका। चलो समझ में आया कैसे करना है, चलो देखो कैसे करेंगे बच्चों। आपके पास टोटल जो है कुछ इस तरीके के हालात बन रहे हैं इस सवाल में। देखिए बच्चों टोटल आपके पास चार शहर आपको घूमना है, ए शहर, शहर बी, शहर सी और शहर डी, चार शहर आपको घूमना है। तो हो सकता है आप अपनी शुरुआत किससे कर दें, ए शहर से। तो अगर आप ए शहर से शुरुआत करेंगे, ए को फिक्स कर लो, तो बाकी कितने बच गए, तीन शहर फैक्टोरियल थ्री, और तीन शहर को आप कितने तरीके से घूम सकते हो, छह तरीके से, है ना, क्योंकि बी सी डी अंदर जो है यहाँ पे बी बैठेगा, यहाँ पे कोई तीन बैठेगा और कोई तीन बैठेगा, तो तीन शहरों की धमा चौकड़ी कैसे मचा सकते हो, फैक्टोरियल थ्री तरीके से, मतलब तीन गुणे दो बराबर छह तरीके से। अगला, अगर बी शहर से शुरुआत की होती आपने, तो बी शहर के बाद भी यहाँ पर एक दो और तीन, तो तीन टोटल कितने हो गए, फैक्टोरियल तीन, मतलब कि कितना, तीन गुणे दो अकेले गुणे एक, मतलब छः। इसी तरीके से अगर आप शी शहर से शुरुआत करेंगे, तो एक दो तीन, ये भी फैक्टोरियल थ्री, मतलब कि छः तरीके। और अगर डी शहर के साथ शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन, मतलब छः तरीके। चलिए ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये छह तरीके, अब इसमें से प्रायिकता निकालने का प्रयास करिए, तो टोटल तरीके कितने हो गए, टोटल वेज हो गए आपके 24, तो टोटल 24 तरीके हो गए। तो सवाल नीचे तो 24 आएगा, चलिए पहली प्रायिकता निकालते हैं, PE1 क्या दिया गया है, PE1 देखिए सवाल में क्या दिया गया है, PE1 आपको पहला है, ए की यात्रा बी से पहले की है, हो मतलब ए ने जो यात्रा करी है वो बी से पहले करी है, तो इसमें सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने हैं कि ए में जो यात्रा हुई है वो बी से पहले हुई है, ठीक है ना। तो पूरे कॉम्बिनेशन बच्चों हम लोग को बनाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आइए पूरे कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ए के बाद कौन कौन से कॉम्बिनेशन यहां पर बनेंगे, ए बाहर बैठा मतलब अंदर कौन कौन घूमेंगे, बी सी डी, अंदर घूमेंगे बी सी डी, ए बाहर बैठा है तो अंदर बैठेंगे बी सी डी, तो बी सी डी का कॉम्बिनेशन एक तो बन गया बी सी डी, फिर क्या बनेगा बी डी सी, फिर सी को आगे ले आओ तो क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, सी आगे आने के बाद बनेगा सी बी डी और फिर सी डी बी बनेगा, और फिर लास्ट में किसको आगे ले आओ, डी को आगे ले आओ, तो डी को आगे ले आने के बाद कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बेटा, डी बी सी, और डी को आगे लाने के बाद डी सी बी, तो टोटल छह ये बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छह, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। हाँ अब यस सर। हाँ ऐसे ही भैया, अब ये जो है ये वाले में तो कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि बी की तो पहले यात्रा हो रही है, तो इससे तो कुछ अपन कर नहीं सकते हैं, अब इस वाले में करते हैं अपन, ठीक है ना, ये हो गया, ये ब्लैक पेन वाला हो गया। अब इस वाले को देखो, ये रेड पेन से मैं इसको कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, ये रेड पेन वाला है और इसके ऊपर वाला ब्लैक वाला है, तो बी आगे है तो अंदर कौन आएगा, ए बचेगा, सी बचेगा, डी बचेगा, तो ए सी डी और ए
डी सी, फिर ए का हो गया, अब सी को आगे ले लो तो सी ए डी और सी डी ए, अब डी को आगे ले लो डी ए सी एंड डी सी ए, बन गया टोटल छः, बहुत अच्छी बात है। अब इधर ले लो ये वाले को, सी वाले को आगे ले लो, तो मैं इसको ग्रीन कलर से ले लेता हूँ, आपको कन्फ्यूज नहीं होंगे, सी वाला ग्रीन कलर से है। चलो सी आगे है तो अंदर कौन बैठा है, अंदर बैठा है ए, हो सकता है बी सी, फिर सी आंग सी को रहन दो, हाँ सी आगे है, फिर ए बी सी और फिर ए सी बी, फिर अरे सी तो आगे ले लिया ना, तो फिर सी दोबारा थोड़ा ना आएगा भाई, क्या कर रहे हैं अपन, सी को आगे ले लिया है तो अंदर बैठेगा ए बी डी, ओके तो ए बी डी ए डी बी, फिर किसको आगे कर दो, बी को आगे कर दो, तो बी ए डी एंड बी डी ए एंड देन इसके बाद डी को आगे कर दो डी ए बी एंड डी बी ए, ये बन गए आपके सी वाले। अब लास्ट में डी वाला बना लो भाई, तो डी वाला मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा, डी वाला ये डी, तो डी के आगे ए बी सी, तो ए बी सी ए सी बी, फिर बी ए सी बी सी ए एंड लास्ट ए सी आगे सी ए बी सी बी ए। बच्चों टोटल ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, देख लो ठीक है ना। और अब आप yes, sir. हाँ अब ए वाला है तो चाहो तो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ए के आगे ए लगा लो, यहाँ सब में ए आगे रहेगा, ये ए सब में आगे, यहाँ पर क्या आगे रहेगा, यहाँ पर बी आगे रहेगा सब में, भैया बी लगा लो आगे, तो ये बी वाले हैं बी 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 बी, इनमें सब में सी आगे तो सब में सी आगे लगा लो इसमें, तो ये सी वाला सी 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 सी, अब इसमें लास्ट वाले में डी शहर घूम रहा है सबसे पहले, तो डी शहर आगे लगा लो, तो डी 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 डी। अब आ जाओ, अब करते हैं सवाल, पहली प्रायिकता क्या कह रही है, पहली प्रायिकता कह रही है कि ए की यात्रा बी से पहले हो। चलो देखो भैया कौन कौन केसेस है जिसमें ए ने बी से पहले यात्रा करी है, ये सब केसेस हो गए छः, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बराबर ये छः के छः आ गए, क्योंकि देखो सब में ए तो शुरू में है ना, तो बी तो बाद में यात्रा करेगा और क्या। दूसरा ये कोई नहीं आएगा, ये वाला केस भूल जाओ। अब इसमें देखो हाँ ये मिल गया, ये मिल गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, छः और तीन नौ, नौ नौ के बाद भैया देखो एक दो तीन, तीन और बटे चौबीस, छः तीन नौ और नौ तीन बारह, बारह बटे चौबीस, मतलब प्रायिकता होगी एक बटे दो। चेक करो आंसर, कहो समझ में आया कि उड़ गया, आ गया सर। हाँ तो, यस सर, हाँ ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। अगला देखो बच्चों, अगला है ये चार पांच क्वेश्चन है, ए की यात्रा बी से पहले हो और बी की सी से पहले हो, ये तो बहुत कम मानेंगे भैया, ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले हो। चलो देखते हैं, ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले, तो ये केस आएगा, ए की यात्रा बी से पहले बी की सी से पहले, ये केस आएगा दो, ए की बी से पहले और ए की यात्रा बी से पहले बी की सी से आएगा, ये भी आएगा, तीन हो गए ये। अब इधर देखो ये कोई नहीं आएगा, ए की यात्रा बी से पहले और बी की सी से पहले, ये कोई भी नहीं आएगा बेटा, ये भी कोई नहीं आएगा क्योंकि सी तो पहले हो रहा है इसमें, जबकि सी सबसे लास्ट में होना था। फिर कौन आएगा, ए की यात्रा बी से पहले और बी की सी से पहले, ये आएगा, ए की यात्रा बी से पहले नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। टोटल केस गिनो बच्चों, एक दो तीन फोर और फोर चार केसेस, चार केसेस। आंसर प्रोबेबिलिटी चार बटे चौबीस, मतलब एक बटे छः। चेक करें आंसर, देखो भैया
बिल्कुल सही जवाब 1/6। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि 3, 4 व 5 प्रायिकता स्वयं से करें। चलो अच्छी बात है, कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मेहनत करवाया इस क्वेश्चन ने। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी ए बी सी किसी यादृच्छिक प्रयोगिक संगत घटनाएं हैं तो ये प्रूफ करना है। अरे भैया कैसे करोगे इसको? करने के लिए आप क्या करो, बी और सी को कुछ मान लो, इसका नाम ई मान लिया, ई मान लिया। तो पहले जो ए यूनियन बी यूनियन सी था वो बन गया ए यूनियन ई, बना कि नहीं बना, बोलो हाँ। अब इतना टाइम लगाओगे हाँ बोलने में? साफ दिख रहा है यार, उसको ई मान लिया तो ए यूनियन ई। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब पी ए यूनियन ई बराबर पी ए प्लस पी ई माइनस पी ए इंटरसेक्शन ई, फॉर्मूला होता है कि नहीं होता बताओ? यस सर। पी ए, अब पी ई की जगह क्या है, बी यूनियन सी है, और बी यूनियन सी सबने पढ़ रखा है क्या होता है, पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। तो अब आपको ये वाली चीज निकालनी है, तो ए इंटरसेक्शन ई का मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होगा, बांट दो ए इंटरसेक्शन बी, अरे यार ये क्लिप तो कर इसको, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, अब पुट कर दो, चलो फॉर्मूले में आ जाओ, किसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे सेकंड नंबर में। तो पी ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा, यस यहां पे आ जाओ, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, इससे आएगा। तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा बेटा, पी ए, पी ए की जगह पी ए, और पी ई, पी ई की जगह अपन को निकालना है, तो पी ई की जगह देखो ये निकला हुआ है बच्चों, पी ई की जगह ये निकला हुआ है, तो पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी, और पी ए यूनियन ई यूनियन ई की जगह, तो क्या क्या आया था, पी ए यूनियन बी की जगह, पी ए यूनियन बी की जगह आया था हम, ए यूनियन ई की जगह आया था हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, ओके ओके ओके, ठीक। अब ये जो पार्ट आया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मैं यहां लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे ये पेन नहीं चल रही है, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूं, देखो ये वाला पार्ट देखो आप, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट मेरे को सॉल्व करना है यूनियन को। तो आप लोग जानते हो कि पी एक्स यूनियन वाई क्या होता है, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई हुआ करता है, ये होता है पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई हुआ करता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको पूरा का पूरा ओपन कर दो, कैसे ओपन करोगे, देखो यहाँ पे ये ओपन कर दिया है, क्या क्या सॉल्व करना था अपन को, ये ए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये चीज अपन को सॉल्व करना था। तो दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये एक्स मान लो ये वाई मान लो, तो ये बनेगा पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी ध्यान से लिखो, इसमें अगर आप ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लो तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है बी इंटरसेक्शन सी। ओके, दोनों को मर्ज कर दोगे तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहां इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों,
यहाँ आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वैल्यू रख दी, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बहुत दिमाग आपका खप चुका होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाने के बाद, जब आप इसको कॉपी में लगाएंगे तब आपको अच्छे से ये बनेगा। हाँ, कोई डाउट है कहीं पर तो मुझसे पूछ लीजिए। बोलो बन जाएगा कि नहीं बनेगा। हेलो बच्चे बताओ। यस सर। हाँ बन जाएगा। यस सर। लास्ट का रिवाइज कर, लास्ट वाला स्टेप देखो बेटा, ये ए इंटरसेक्शन ई की वैल्यू निकाली है तुमने? जी सर। ये जो वैल्यू निकाली है, इतनी बड़ी वैल्यू, इसकी वैल्यू ए इंटरसेक्शन ई की यहाँ पर ला के रख दो। ये देखो, ये वैल्यू यहाँ पर ला के रख दो, समझ गए? जी सर। तो बस हो गया, ये रख दिया तो वो माइनस लगा है तो ये भी माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत करा है बेटा, यहाँ पे प्लस कर लो, सॉल्व करने वाले ने गलत किया है, प्लस कर लो। यहाँ देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में प्लस है, है? जी सर। पूरा करके बताऊं कि कर लोगे? कर लेंगे सर। कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल करते हैं, स्क्रीन टेढ़ी हो गई, इसको सीधे कर दूं। चलिए लास्ट सवाल है ये। एक रिले दौड़ में पांच टीम ए बी सी डी ई ने भाग लिया, ए बी सी के क्रमशः पहला दूसरा व तीसरा स्थान पाने की प्रायिकता क्या होगी? आह बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। भाई पांच टीमें हैं तो पांच टीम टोटल कितने स्थान बना सकती हैं? 60। पांच टीमें हैं, नहीं 60 नहीं बनाएंगी, ज़्यादा बनाएंगी, 120 बनाएंगी। एक रिले टीम में पाँच ने भाग दिया है और पांच में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, नहीं नहीं तो टोटल पांच के पांचों को तो प्राइज मिल नहीं जाएगा, तीन को मिलेगा। तो पांच में से तीन को प्राइज कितने तरीके से मिल सकता है, पहले ये समझो। पांच में से तीन को प्राइज यानी 5p3, 5p3 मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो 5×4×3×2×1 नीचे 2×1, 2×1 से 2×1 कैंसिल, 5×4 20 और 20×3 कितना 60, मतलब टोटल 60 तरीके से इनाम का वितरण होगा, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, मतलब 60 तरीकों से तीन लोगों में इनाम बांटा जा सकता है। बड़ी बड़ी अच्छी बात है भैया, 60 तरीके हैं। अब कह रहा है कि ए के प्रथम, बी के द्वितीय और सी के तृतीय आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ए प्रथम आए मतलब एक स्थान ले लिया ए पहला, एक स्थान ले लिया बी दूसरा और एक स्थान ले लिया सी, तो तीन जने थे और तीनों लोग अपने अपने जगह में जाके बैठ गए, तो ये तो एक ही ग्रुप बनेगा, तो आंसर होगी इस तरीके का 1/60। तो ए के प्रथम और बी के द्वितीय और सी के तृतीय स्थान में आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/60। समझ में आ गया? Yes, sir. क्योंकि ये एक ग्रुप है। Yes, sir. अगला, ए बी और सी के पहले तीन स्थान, ए जो है बी और सी के पहले तीनों स्थानों में किसी भी क्रम में रहने की प्रायिकता क्या होगी? अब कह रहा है इसमें कि वो प्रायिकता निकालो कि जो ए है वो बी और सी के पहले रहेगा। चलो भैया, मतलब ए पहले नंबर पे है, ए को फर्स्ट प्राइज मिलेगा और बी और सी के साथ जो होना हो जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, एक बार देख लें एक बार क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए बी और सी के पहले तीन स्थानों में किसी भी क्रम में रहने की प्रायिकता क्या होगी? ए बी और सी के पहले तीन स्थानों में, ये क्या कह रहा भाई? ए बी और सी के पहले तीन स्थानों पर है, अच्छा ठीक है समझ गए, ए बी और सी के पहले तीन स्थानों पर किसी भी क्रम में रहने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का मीनिंग ये निकल रहा है, ए बी और सी के पहले तीन स्थानों में किसी भी क्रम में रहने पर, मतलब ये तीन लोग हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी आ जाएं, ए बी सी तीन लोग हैं, ये कहीं भी बैठे मगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बैठे। तो मान लो पहले प्लेस में से कोई भी आ गया, तो फर्स्ट पहले प्लेस के लिए कितने दावेदार? तीन दावेदार। अगले के लिए कितने? दो। और लास्ट बेचारा जो बच
बचेगा वो एक दावेदार फर्स्ट में आएगा और थर्ड में आएगा वो। टोटल केसेस कितने हो गए बच्चों? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/, टोटल कितने तरीके थे, प्राइस कितने थे? 60। तो आंसर 1/10। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से ये अपना जो प्रायिकता का चैप्टर है मैंने पूरा करा दिया है आप लोगों को। कोई डाउट हो, वक्त दे रहा हूँ, आप लोग पीडीएफ एक बार ओपन कर लें और मुझसे पूछ लें कोई डाउट आपको हो तो। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए इसमें, इसमें इस एक्सरसाइज में बड़े अच्छे अच्छे सवाल देखे अपन ने। चलो देख लो कोई डाउट है, आपके पास पीडीएफ ग्रुप में डली हुई है, दोनों ग्रुप में कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हाँ भाई संध्या माइक ऑफ कर लो, और कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लीजिए एक बार। डन करें ओवर सर, जब सॉल्व करेंगे तो फिर डाउट आएगा तब फिर सर सवाल करेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है। तो आज कोशिश करो कि इसको आज के आज खत्म कर लूं, क्योंकि कल मैं अगर कराऊंगा वो स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी कल कराऊंगा, तो एक क्लास में सांख्यिकी पूरा हल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे क्लास लेने के पहले आप लोग डाउट करके रखिएगा, तो यदि कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना? यस सर। इसको पूरा कर लो। सर आज वैक्सीनेशन होगा स्कूल पे? आज नहीं है वैक्सीनेशन, क्योंकि लिस्ट नहीं आई है। कोई मैसेज डाला है क्या कि वैक्सीनेशन का? नहीं डाला ना? नो सर। नहीं तो आज कहीं दूसरे विद्यालयों में होगा। आप लोग अगर दूसरे विद्यालयों में जाके लगा लें, लगवा लें, तो मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा कि सर उधर दूसरे विद्यालय में मैंने लगवा लिया है, ठीक ना? तो मैं आपका नाम जो है उसमें इंटर कर दूंगा। बोलो। यस सर। तो मैसेज मैंने लगवा लिया है वैक्सीनेशन। सेकंड वाला हो गया, सेकंड डोज हो गया? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो मेरे को उसमें ग्रुप में लिख के मैसेज कर दो कि सेकंड डोज डन है ना, कौन से स्कूल में लगवाया है उसका नाम भी लिख दीजिए। चलो। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके 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 ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू।